हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि औरतों का मस्जिद में जाके इबादत करना जायज है या नाजायज। जी हाँ, जायज है। पहले हम आपको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाते हैं, शायद आपको आपका जवाब मिल जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, औरतों के घर में नमाज पढ़ने को पसंद फरमाया और मर्दों को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है ज़ारा बीबी। सही कह रहे हैं हम? ऐसे तो मर्दों को घर पे नमाज पढ़नी ही नहीं चाहिए क्योंकि उन्हें मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने का हुक्म है। हजरत इमाम अबू हनीफा, जिन्हें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ज्यादातर मुसलमान मानते हैं, फॉलो करते हैं, उन्होंने फरमाया कि औरतों की मस्जिद में आ जाने से माहौल खराब होने का अंदेशा है। औरतों की आजादी छीनने के बजाय आप ऐसे मर्दों को मस्जिदों में आने से रोकें जो मस्जिदों का माहौल खराब करते हैं। ये तब की बात है जब औरतें घर से सिर्फ मस्जिदों तक जाती थी। आजकल औरतें शॉपिंग मॉल, बाजार, स्टेडियम, हर एक ऐसी जगह जाती हैं जहां मर्द होते हैं, तो फिर मस्जिद क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि हमारे बुजुर्ग ऐसा ही समझते थे। अगर हमारे वही बुजुर्ग आज जिंदा होते तो हमें मस्जिदों में जाने की इजाजत जरूर देते, क्योंकि हर हाल में मस्जिद का माहौल बाजार से बेहतर होता है, जहां दुनिया की नहीं आखिरत की खरीदारी होती है। ख्वातीनों हजरात, ये बहस नमाज के बाद फिर शुरू होगी। जी। आ जाने में देर कैसे हो गई थी? क्या हार के डर से घर से बाहर निकलना नहीं हो रहा था? वैसे यही एक तरीका था जिससे तुम जीत सकते थे। तरीके तो बहुत है ज़ारा बेगम, मगर हम ना कुछ अलग सी हस्ती, जीतना भी अपनी शर्तों पे चाहते हैं, किसी के खैरात में नहीं, अपने काबिलियत के दम पर। वैसे मीठी मीठी बातें करना हमें पसंद तो नहीं है, लेकिन 50 लाख के लिए इंसान क्या क्या नहीं कर सकता। निलोफा, यहाँ आना कैसे हुआ? अगर हम यहाँ नहीं आते तो दो इतने काबिल लोगों की बहस देखने को कैसे मिलती? वैसे मानना पड़ेगा सारा, तुम्हें और तुम्हारे हौसले को, कितना बड़ा काम कर रही हो तुम। पता है पूरे शहर में चर्चे हो रहे हैं तुम्हारे। हम ये सब चर्चाओं में रहने के लिए नहीं कर रहे हैं। खैर, अच्छा लगा कि तुम आई। चर्चे तो अभी बहुत होंगे, तुम बस इंतजार करो। निलोफा, कहाँ खो गई? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो हमें वॉशरूम जाना है, तुम हमें लेकर जा सकती हो? क्यों नहीं।
कबीर जी आप जारा का इंतजार कर रहे होंगे। हाउ रोमांटिक। एक बीवी, एक बेटी, एक बहू से ज्यादा एक लीडर बनने का शौक पाल रही हो। जब तक ये डिबेट होगी जारा, तुम यहां हम वहां, अलग अलग घरों में, अलग अलग छत में। तुम्हें नहीं लगता कल रात के लिए तुम्हें हमसे माफी मांग लेनी चाहिए? ऐसे कितने कल अगर हम तुम्हें गिनाने बैठ जाए ना जारा, तो तुम्हारी सारी उम्र निकल जाएगी माफी मांगते मांगते। कबीर, आज कुछ भी फैसला हो, हमसे वादा करो कि इस फैसले का असर हमारी जिंदगी पर नहीं आएगा। मगर ये सवाल तुम एक बार खुद अपने आप से पूछ लो, कर पाओगी ना ऐसा? हम वादा करते हैं कि हालात कैसे भी हो, कोई कुछ भी कहे, किसी को अच्छा लगे या बुरा, हम हर हाल में तुम्हारे साथ हैं और रहेंगे। जरा हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे तो तुम्हारे हक में सही होगा। अल्लाह अल्लाह तुम्हें वही देगा। बहुत बहादुर है आपकी बीवी और उनकी सोच भी बहुत अच्छी है। अल्लाह हाफिज़। अरे वाह कबीर साहब, आप तो मशहूर हो गए जारा की वजह से। वैसे ऐसे 40-50 लोगों को साथ में रखने से कोई लीडर नहीं बनता है। लीडर तो वो होता है जिसकी सोच को लोग सलाम करें, जैसे कि आपकी। हम वॉशरूम से आते हैं। जी। डिबेट शुरू करें? किस बात की डिबेट जारा भी? इन औरतों ने तो अपना केस विथड्रॉ करने का फैसला कर लिया है। क्या? आप इन्हीं से पूछ लो। देखिए जारा बीबी, आप हमें गलत मत समझिएगा, लेकिन इस केस में एक हस्बैंड और एक वाइफ एक दूसरे के सामने हैं। पर हमें ऐसा लगता है कि हालात चाहे कुछ भी हो, पर एक बीवी अपने शौहर के खिलाफ नहीं जा सकती। हमें नादान मत समझिएगा जारा बीबी, हम सब जानते हैं सारे बहस के बाद फैसला तो कबीर मियां के हक में ही होगा। आप लोग शायद ये भूल रही हैं कि हम और कबीर यहाँ मियाँ बीवी की हैसियत से नहीं, बल्कि बोर्ड के मेंबर होने की हैसियत से बहस कर रहे हैं। देखिए, शरिया बोर्ड के बाहर भी तो एक दुनिया है जहाँ आप दोनों मियाँ बीवी हैं, और मियाँ बीवी तो एक दूसरे के मसलों को हल करते ही हैं। इसलिए हम ये नहीं चाहते कि आप हमारे केस की पैरवी करें। हम ये केस नहीं छोड़ सकते,
यहाँ सवाल सिर्फ आपका नहीं है बल्कि हमारा, इनका, उनका और इस शहर की हर उस औरत के हक का सवाल है जिसे मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। तो फिर ठीक है, आपको हमें यकीन दिलाना होगा कि आप हमारे लिए, हमारे शहर की हर औरत के लिए इस केस के खत्म होने तक अपने शौहर से दूर रहेंगी। ताकि वो आपको इस केस में वर्गला ना सके। मोहतरमा, मियां बीवी के मसले हल नहीं करने आए, बकायदा हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बहस करने आए। हम वादा करते हैं कि हालात कैसे भी हो, हम हर हाल में तुम्हारे साथ हैं और रहेंगे। ठीक है, कबीर और जारा मियां बीवी नहीं रहे। हम ये ऐलान करते हैं कि जब तक ये केस चलेगा तब तक कबीर अहमद और जारा अहमद मियां बीवी की तरह नहीं रहेंगे। आज कुछ भी फैसला हो, हमसे वादा करो कि इस फैसले का असर हमारी जिंदगी पर नहीं आएगा। कबीर अहमद और जारा अहमद ना ही एक दूसरे के साथ रहेंगे, ना ही एक दूसरे से बात करेंगे और ना ही मिलेंगे, सिर्फ शरिया बोर्ड की मीटिंग में ही मिला करेंगे। मगर हम हर हाल में ये केस लड़ेंगे क्योंकि इस केस का फैसला ये तय करेगा कि इस शहर की औरतों को उनका हक मिलेगा या नहीं। शुरू कीजिए। हम आप लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं। हिंदुस्तान भर से इतनी सारी औरतों ने दस्तखत करके शरिया बोर्ड में भेजा है। जब इतनी सारी औरतें रब की इबादत करना चाहती हैं तो हमें एतराज क्यों है, हम इजाजत क्यों नहीं दे सकते। हम आप लोगों को कुछ और भी दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना हमारा दीनी हक है। माशाल्लाह, बहुत खूब। मगर हम आप सबको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस सुनाना चाहते हैं। एक बार एक औरत हमारे नबी के पास आई और उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मेरे रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ अल्लाह की इबादत करना चाहती हूँ। हमारे नबी ने फरमाया कि मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरे साथ अल्लाह की इबादत करना पसंद है, लेकिन हमारे साथ इस मस्जिद में इबादत करने से बेहतर ये होगा कि तुम अपने लोगों के साथ अपने मोहल्ले के मस्जिद में जाकर इबादत करो। हमारे रसूल फरमा रहे कि सबसे अच्छा यह होगा कि तुम घर में जाके इबादत करो। इसके बाद भी हम आप सबसे पूछते हैं, क्या कोई ऐसी दलील बाकी है जो इन औरतों को मस्जिद में ले जाने की हिमायत करे? आज की ये बहस यही मुलतवी की जाती है, कल फिर यहीं से बहस शुरू होगी। सलमा बहन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी बहुत बढ़िया।
यूँ अचानक बुलाने के लिए माफी चाहते हैं हम आपसे। अरे कोई नहीं सलमा बहन, देखिए आज के बुलावे पर सब लोग आ गए, आपके हाथों का इफ्तार कोई नहीं छोड़ना चाहता। जी शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा बहन, दरअसल हमने ज़ारा और कबीर को बताया नहीं कि आप सब यहाँ पे इफ्तार के लिए आए। हमने सोचा कि इफ्तार के बाद ज़ारा आप ही के साथ घर वापस चली जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए सलमा मैम, जाते वक्त हम अपनी ज़ारा को साथ ही लेकर जाएंगे। अम्मी, ये सरप्राइज भाई और भाभी को कितना अच्छा लगेगा ना। बहुत अच्छा लगेगा। शरीयत की शान में नादान औरतें जान ले, मर्द को मान ले। शरीयत की शान में मैदान में नादान औरतें जान ले, मर्द को मान ले। कबीर भाई जिंदाबाद, कबीर भाई जिंदाबाद, कबीर भाई जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा बेटा, हमने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दे दे। वैसे कबीर कहाँ है ज़ारा? हाँ, दिखाई नहीं दे रहा है बेटा। कबीर नहीं है। पर बेटा क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने फैसला किया है कि जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता तब तक हम और कबीर अलग अलग रहेंगे। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था ज़ारा। कोई अपने हाथों से बदकिस्मती के दरवाजे खोलता है क्या? हमें तुमसे इस नासमझी की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था अम्मा। रास्ता था, था रास्ता, लेकिन शायद गलती से हमने ही उसे बंद कर दिया। क्योंकि हमने तुम्हारी बात सुन ली, अपने दिल की बात नहीं सुनी। ना ही हम तुम्हारे कमरे का दरवाजा खोलते, ना तुम शरिया बोर्ड जाती, और ना ही ये सब कुछ होता। सब कुछ आपकी आंखों के सामने होता रहा और आपने रोका तक नहीं। अरे हम तो कहते हैं चूल्हे बाढ़ में जाए ऐसा केस, जो हमारे बच्चों के बीच दूरियां पैदा कर दे, उन्हें एक दूसरे से जुदा कर दे। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं बेगम? हमारी ज़ारा बेटी की इसमें कोई भी गलती नहीं है। शरिया बोर्ड में हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे, अगर इसकी जगह हम भी वहां होते तो शायद वही करती जो कुछ ज़ारा ने किया है।
वैसे भी बेगम ये केस एक दो दिन में खत्म हो जाएगा, तब तक आप अपनी बेटी के यहाँ रहने की खुशियां मनाइए। हमारी बेटी दामाद के रिश्ते के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, खटास पैदा हो रही है और आप कह रहे हैं कि खुशियां मनाओ। सलमा बहन, अगर आपकी इजाजत हो तो हम कुछ कहें। जी सलमा बहन, हमें लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। हमें जारा पर पूरा भरोसा है, वो अपना केस और अपना रिश्ता दोनों संभाल लेगी। है ना? अम्मा, अब हम पहले वाले जारा कभी की नहीं है। हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है और ऐसे मजबूत रिश्ते को ना कोई मामूली सा केस नहीं तोड़ सकता। या अल्लाह, हमारे और कबीर के रिश्ते की हिफाजत करना।